ओम धन्वंतरय नमः। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर इन 2022 प्रसूति तंत्र एंड स्त्री रोग में जिन लोगों को पीजी सीट्स मिला था उनका ऑल इंडिया रैंक्स कितना था, दैट टू इन गवर्नमेंट स्टाइपेंडर इंस्टीट्यूट्स प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के बारे में। तो वहाँ पर टोटल पीजी सीट्स इन पीटीएसआर 7 था और उनमें से ऑल इंडिया कोटा के लिए 3, दिल्ली तिब्बिया कोटा के लिए 4 था। और ये ऑल इंडिया कोटा का जो 3 सीट्स थे उनमें से जनरल के लिए 2 सीट्स थे और वो सीट्स मिला ऑल इंडिया रैंक 16 को और ऑल इंडिया रैंक 31 को। ओबीसी के लिए जो 1 सीट रिजर्व था ऑल इंडिया कोटा में, तो वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 36। दिल्ली तिब्बिया कोटा के लिए 4 सीट्स थे, उनमें से जनरल 1, ओबीसी 1, एससी 1 और एसटी 1। तो जनरल के लिए जो 1 सीट रिजर्व था वो जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 802। ओबीसी में जिनको ये सीट अलॉट हुआ तो उनका ऑल इंडिया रैंक था 1411। एससी के जिन कैंडिडेट को ये सीट मिला दिल्ली तिब्बिया कोटा का प्रसूति तंत्र स्त्री रोग का सीट, तो उनका ऑल इंडिया रैंक था 3413। और दिल्ली तिब्बिया कोटा में जिन एसटी कैंडिडेट को एक सीट मिला तो उनका ऑल इंडिया रैंक था 7071। अब हम देखते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में। टोटल पीजी सीट्स इन पीटीएसआर 5 है, उनमें से ऑल इंडिया कोटा के लिए 2 और इंटरनल के लिए 3। तो ऑल इंडिया कोटा के लिए जो 2 था उनमें से एक जनरल के लिए था, एक ओबीसी के लिए था। तो जनरल के लिए जो 1 था तो उनका ऑल इंडिया रैंक था 3, उनको वो जनरल सीट मिल गया। और ओबीसी के लिए जो 1 सीट रिजर्व था तो वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 4। बीएचयू कोटा के लिए 3 सीट रिजर्व था, एक ओबीसी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए और एक एससी के लिए। तो ओबीसी के लिए जो 1 था उनका ऑल इंडिया रैंक था 216। ईडब्ल्यूएस वाला सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 1282। और बीएचयू कोटा में एससी का सीट जिनको अलॉट हुआ तो उनका ऑल इंडिया रैंक था 2923। अब हम बात करेंगे आईटीआरए जामनगर के बारे में। तो यहाँ पर तो सारे सीट्स ओपन होते हैं, तो टोटल पीजी सीट्स इन पीटीएसआर 6 हैं और उनमें से जनरल के लिए 3, ओबीसी के लिए 2 और एससी के लिए 1 सीट था। तो जनरल के जो 3 सीट्स जिनको अलॉट हुआ उनका ऑल इंडिया रैंक था 28, 33, 58। ये तीनों जनरल में एडमिशन मिला है इनको। ओबीसी के लिए जो 2 सीट्स रिजर्व था वो सीट जिनको मिला तो उनका रैंक था 49 एंड 60, ऑल इंडिया रैंक 49, ऑल इंडिया रैंक 60। और एससी के लिए 1 सीट रिजर्व था और वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 358। अब हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर के बारे में। तो टोटल पीजी सीट्स इन पीटीएसआर इज 9। तो उनमें से ऑल इंडिया कोटा के लिए 3 सीट्स था, राजस्थान स्टेट के लिए 5 सीट्स था और फॉरेन कैंडिडेट के लिए 1 सीट था। तो ऑल इंडिया कोटा के लिए जो 3 सीट्स था उनमें से ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और एससी कैटेगरी के लिए 2 था। तो ईडब्ल्यूएस का वो सीट जिनको मिला ऑल इंडिया कोटा में उनका ऑल इंडिया रैंक था 22। और ऑल इंडिया कोटा में ये एससी सीट्स जो 2 थे वो जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 238 और 257। राजस्थान स्टेट के लिए 5 सीट्स रिजर्व था जिनमें से एनआईए कोटा में जनरल के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 था। तो जनरल का सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 39 और ईडब्ल्यूएस का सीट एनआई कोटा में जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 77। राजस्थान कोटा में जनरल को लिए 1 सीट था और वो जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 25। इन सर्विस वालों के लिए 2 सीट्स था, ऑल इंडिया रैंक 2183, ऑल इंडिया रैंक 4138 वालों को ये इन सर्विस वाला सीट जो है वो मिला और फॉरेन कैंडिडेट के लिए 1 था। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर के बारे में। तो वहाँ पर टोटल पीजी सीट्स इन पीटीएसआर 7 है, उनमें से ऑल इंडिया कोटा के लिए 1 और राजस्थान कोटा के लिए 6 सीट्स रिजर्व था। तो ऑल इंडिया कोटा के लिए जो 1 था वो भी एससी के लिए रिजर्व था और वो एससी सीट जिनको मिला उनका रैंक था 1145। और राजस्थान कोटा के लिए जो 6 सीट्स था उनमें से जनरल के लिए 2 था और वो जनरल सीट्स दोनों मिला किनको, जिनका ऑल इंडिया रैंक 167 और ऑल इंडिया रैंक 481 था। ओबीसी के लिए 2 सीट्स था राजस्थान कोटा में, वो जिनको मिला
उनका रैंक था 336 और 598। एससी के लिए एक सीट रिजर्व था और वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 1521। एसटी के लिए एक सीट रिजर्व था और वो जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 3100। अब हम बात करेंगे श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज कुरुक्षेत्र के बारे में। तो वहाँ पर टोटल पीजी सीट्स इन पीटीएसआर 6 था, उनमें से ऑल इंडिया कोटा के लिए ओनली 1 सीट था और रेस्ट 5 सीट्स जो है वो हरियाणा कोटा के लिए था। तो ऑल इंडिया कोटा में जो एससी के लिए एक सीट था वो जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 931। हरियाणा कोटा में जो 5 सीट्स था तो उसमें से जनरल के लिए 2 सीट्स था, तो जनरल के जो 2 सीट्स जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 283 एंड ऑल इंडिया रैंक 341। ईडब्ल्यूएस के लिए एक सीट रिजर्व था और वो जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 166। बीसीए के लिए एक सीट रिजर्व था और वो जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 477। एससी पीडब्ल्यूबीडी के लिए एक सीट रिजर्व था और वो जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक है 10956, यानी 10956। अब हम बात करेंगे गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय पुरी उड़ीसा के बारे में। तो वहाँ पर टोटल पीजी सीट्स इन पीटीएसआर 2 है और ये दोनों जो है उड़ीसा स्टेट कोटा के लिए था। ऑल इंडिया कोटा वहाँ पर नील है पीटीएसआर में। तो 2022 में तो ये जो 2 सीट्स था उनमें से एक जनरल के लिए था और एक एससी के लिए था। तो जनरल के लिए जो एक था वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 229 और एससी के लिए जो एक सीट रिजर्व था वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 3083। अब हम बात करेंगे ऋषिकुल गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज हरिद्वार के बारे में। टोटल पीजी सीट्स इन पीटीएसआर 2 है और वो दोनों जो है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए 2 सीट्स रिजर्व था और उनमें से जनरल के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 था। जनरल के जो एक सीट है ऑल इंडिया कोटा में तो वो जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 115 और ओबीसी के लिए जो 1 सीट रिजर्व था वो जिन कैंडिडेट को मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 189। रेस्ट अदर इंस्टीट्यूट्स, ऑल दीज आर गवर्नमेंट स्टाइपेंडरी इंस्टीट्यूट्स। तो गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नांदेड़ महाराष्ट्र, तो वहां पर ऑल इंडिया कोटा में जनरल के लिए एक सीट था और वो जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 29। उसके नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेट आयुर्वेद कॉलेज लखनऊ यूपी के। तो वहां पर ओबीसी के लिए एक सीट था और वो सीट जिनको मिला तो उनका रैंक था ऑल इंडिया रैंक 63। ये सारे हम ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं। गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज उस्मानाबाद महाराष्ट्र, तो वहां पर ऑल इंडिया कोटा में ईडब्ल्यूएस के लिए ही एक सीट था और वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 93। गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज त्रिपुनितारा, वहां पर ईडब्ल्यूएस के लिए एक सीट रिजर्व था ऑल इंडिया कोटा में, तो उनको वो सीट जिनको मिला उनका रैंक था 318। गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज विजयवाड़ा, तो वहां पर ऑल इंडिया कोटा में जनरल के लिए एक सीट था और वो जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 391। गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज वाराणसी, तो वहां पर ऑल इंडिया कोटा में ईडब्ल्यूएस के लिए एक सीट था पीटीएसआर में और वो सीट जिनको मिला उनका रैंक था 439। गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज पटना, तो वहां पर ऑल इंडिया कोटा में एक ही सीट था और वो भी ईडब्ल्यूएस के लिए, तो वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 488। बीआरकेआर गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज हैदराबाद, तो वहां पर ऑल इंडिया कोटा के लिए एक ही सीट था, वो भी ओबीसी के लिए था, वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 705। मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर, तो वहां पर ऑल इंडिया कोटा के लिए सिर्फ एक सीट रिजर्व था और वो भी एससी के लिए, तो उनको जिन स्टूडेंट को ये सीट मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 740। ये एससी सीट था वो। गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज तिरुवनंतपुरम, तो वहां पर ऑल इंडिया कोटा में एससी के लिए 1 सीट था पीटीएसआर में और वो जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 1979। गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज गुवाहाटी, तो वहां पर पीटीएसआर में ऑल इंडिया कोटा में एक ही सीट था रिजर्व और वो था जनरल पीएच के लिए और वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 11,276। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। ईश्वर से यही प्रार्थना है आप सभी लोग जो भी अच्छे से मेहनत किए हो आयुर्वेद के एमडी एग्जाम के लिए आप सबको सफलता प्राप्त हो। गॉड ब्लेस।